अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि आप लोगों को ये यूज़ करना चाहिए या इसे बाय करने में आप लोगों को अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, ताकि आप लोग मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ देख सकें। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। आप लोग इसे दी ऑर्डिनरी के इंस्टाग्राम पेज से बाय कर सकते हैं और इसकी जो प्राइस है वो है 3000 रुपीज़। इलेक्ट्रिक एसिड 5%, आप लोगों को इसके अंदर 10% भी मिल जाएगा और प्लस है इसके अंदर HA। डू नॉट यूज़ ऑन सेंसिटिव पीलिंग और कम्प्रोमाइज स्किन, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आइस। और यहाँ पे इसका जो है वो पैच टेस्टिंग का भी लिखा हुआ है। ये आप लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है, लेकिन आप लोगों की स्किन को जो है गाइस ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। अगर आप लोग ऑर्डिनरी का इलेक्ट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, आप 5% वाला यूज़ कर रहे हैं या 10% वाला यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो है वो अपने फेस पे सन ब्लॉक को मस्ट यूज़ करनी है। सन ब्लॉक के बगैर जो है वो आप लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते अपनी स्किन पे। इसको यूज़ करने के बाद जो है वो आप लोगों ने अपने फेस पे जो है वो सन ब्लॉक को मस्ट यूज़ करना होता है। ये देखें, इसलिए इन लोगों ने जो है वो यहाँ पे सनबर्न अल्टर भी दिया हुआ है। ऑर्डिनरी का लैक्टिक एसिड जो है वो मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंडेड करूंगी इन लोगों के फेस पे जो है वो बहुत ज्यादा निशान है, एक्निक के निशान है, या उन लोगों के फेस पे आप लोगों को पता है जहाँ पिंपल निकलता है उसका एक ब्लैक सा स्पॉट रह जाता है वो निशान है, या आप लोगों के फेस पे जो है वो किसी भी किस्म के डार्क स्पॉट्स हैं, कुछ लोगों की स्किन जो है वो अफेक्ट हो जाती है, ब्राउन सी हो जाती है, लाइट सी, वो है आप लोगों के फेस पे, डार्क पैचेस हैं आप लोगों के फेस पे। आई डार्क सर्कल के लिए नहीं है गाइस, ये आई डार्क सर्कल पे आप लोगों ने इसे यूज़ नहीं करना है। वहाँ की स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और सेंसिटिव स्किन के लिए ये है ही नहीं। इसे आप लोग 7 से 8 बार यूज़ करेंगे ना गाइस, तो आप लोगों के फेस पे कोई भी निशान है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, आप लोगों की स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सो गाइस, जब आप लोगों की स्किन क्लियर हो जाए तब आप लोगों ने इसे यूज़ करना बिल्कुल छोड़ देना है। आप लोगों ने इसे रेगुलर यूज़ नहीं करना, ये आप लोगों की स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देता है। सो गाइज, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी ये सिर्फ डार्क स्पॉट्स के लिए, या गाइज आप लोगों के जो है वो हैंड्स के, कुछ लोगों का ये वाला हिस्सा डार्क होता है, या आप लोगों के नकल्स जो है वो डार्क हैं, तो आप लोग इसे उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को नकल्स को, आप लोगों के हैंड्स को भी जो है वो नीट एंड क्लीन कर देगा। अगर आप लोगों के फेस पे एक्निक है तो आप लोगों ने इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। एक्निक के बाद आप लोगों के फेस पे जो निशान होते हैं ना, मैं ये उनके लिए आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों को इसका टेक्स्चर दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, इसका इस कलर का टेक्स्चर है। आप लोगों ने इसे बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। आई होप सो गाइस, आप लोगों को मेरे ऑर्डिनरी के इलेक्ट्रिक एसिड के रिव्यू की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आप लोगों ने मस्त सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने जब इस इलेक्ट्रिक एसिड को यूज़ किया तो आप लोगों को इसके रिजल्ट कैसे लगे। लाइक माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, and thanks for watching this video.